इंस्टाग्राम तो सभी लोग चलाते होंगे, अगर आप नहीं चलाते तो चलाइए, काफी ज्यादा अच्छी चीज है, आपको भी चलानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से आप खुद का हैशटैग क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, जिसकी मदद से दोस्तों आप काफी ज्यादा ग्रो हो सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप सबने काफी ज्यादा ऐसे हैशटैग्स देखे होंगे जो कि गूगल पर मिल जाते हैं, और दोस्तों आपने काफी सारे हैशटैग चुराए होंगे या फिर उससे भी बनाए होंगे पर उससे काम नहीं बन पाता। यहाँ पर बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि आप आखिर खुद से कौन से ऐसे हैशटैग बना सकते हो जिससे काफी ज्यादा ग्रोथ हो और दोस्तों उनके आगे बढ़ने के भी चांसेस हो। जो हैशटैग दोस्तों आप क्रिएट करने वाले हो वो आप गूगल की मदद से क्रिएट करने वाले हो, कोई सी भी ऐसी वेबसाइट से नहीं लेने वाले हो जो कि पहले से बनी बनाई है। यहाँ पर मैं दोस्तों आप सबको ट्रिक बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से आप हैशटैग को क्रिएट कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए दोस्तों चलिए गूगल पर चलते हैं। गूगल पर जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से सर्च करना है जो कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो। दोस्तों आपका फोटो जिस भी जॉनरा में है वहां पर आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ लाइफस्टाइल। जैसे ही दोस्तों मैं लाइफस्टाइल सर्च करता हूँ तो काफी सारी वेबसाइट्स आपके सामने देखने को मिल जाती हैं, बट हमें स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ कर देना है। नीचे की तरफ दोस्तों आपको मल्टीपल सर्चेस के ऑप्शन मिलते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग काफी ज्यादा यूट्यूब की एसईओ में करते हैं, बट यहाँ पर आप इसको इंस्टाग्राम के एसईओ में करने वाले हो जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। जो कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखेगा लाइफस्टाइल के साथ, उसको आपको दोस्तों ऐड करना है, यानी कि कहें तो कॉपी करना है या फिर कहीं भी आपको लिख लेना है और उसके सामने हैशटैग लगाकर आपको इसको यूज करना है। और दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि आप उसमें से दो ही तीन यूज करिए, उसके बाद लाइफस्टाइल के अलावा जो कुछ भी फैशन होता है, मॉडलिंग होता है, उसको भी सर्च करिए, उसी तरीके से उसको भी ढूंढ लीजिए। और दोस्तों कोशिश ये करिएगा जब भी आप कैप्शन लिखते हैं अपने पोस्ट के अंदर तो यहाँ पर आपको इन वर्ड का भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी मैं लाइफस्टाइल और फैशन का सर्च किया हूँ और हैशटैग भी क्रिएट कर लिया हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज माई लाइफस्टाइल एंड दिस इज माई फैशन। तो यहाँ पर दो शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है, इससे दोस्तों इंस्टाग्राम के एसईओ को पता चलता है कि आखिर आपका कॉन्टेंट किस बेस पर है और आखिर हम इसे कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो हैशटैग का इस्तेमाल भी दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है, और जो कुछ भी लिखा है आपको जो जैसे लिखा दिख रहा है यहाँ पर चार पांच चीजें देखने को मिल जाएंगी, आपको उनको सेलेक्ट कर लेना है और उसी हिसाब से आपको उसी के राउंड में जो है बायो भी लिख देना है। इससे क्या होगा दोस्तों आपको ग्रोथ भी मिलेगा और यहाँ पर आपका पर्सनल हैशटैग होगा जो कि काफी अच्छे से ट्रेंड भी करने वाला है। इसकी मदद से दोस्तों आपको काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और दोस्तों आपको और भी जानकारी चाहिए इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में या फिर कहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, वहां से आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इससे पहले ये हैशटैग बनाने का तरीका नहीं पता था या फिर अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और आपको हमेशा से ग्रोथ में मदद करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।